ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। आज शाम जब चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा तो भारत इतिहास रच देगा। इसरो के मुताबिक अभी तक सब कुछ दुरुस्त है, यानी चंद्रयान 3 का मिशन अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहीं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भी इसे भारत के लिए एक बड़ा मौका बताया है। आज चांद पर जय हिंदुस्तान। अंतरिक्ष में रचेगा नया इतिहास। चंद्रमा पर ऑल इज वेल। चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन बस अपनी सफलता से 25 किलोमीटर ही दूर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अब तक सब कुछ ठीक है। इसरो ने भी कहा है कि तय समय पर लैंडिंग होगी। सिस्टम की रेगुलर चेकिंग की गई है और सभी सिस्टम दुरुस्त पाए गए हैं। सब कुछ शेड्यूल के मुताबिक चल रहा है और सारे सिस्टम फेल हुए तब भी हर हाल में लैंडिंग होगी। आज शाम 5:45 पर लैंडिंग शुरू होगी, जो कि 4 चरणों में होगी। मुख्य ऑप्शन तो यही रहेगा कि चंद्रयान 3 का लैंडर सीधे ही हमारे अर्थ स्टेशन के संपर्क में हो, बट अगर जरूरत पड़ी तो वो ऑर्बिटर के थ्रू भी हमारे पृथ्वी के संपर्क में रह सकता था। हमको 5:47 से जब हम ये उड़ान नीचे जाने की जो प्रक्रिया शुरू करेंगे लैंडिंग की, और उसके बाद 6:04 पर, जैसा कि मैंने बताया, पूरे देश को और पूरे विश्व को ये शुभ समाचार मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है हमको। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जितने जोश में भारत है, पूरी दुनिया भी इस पल को अपनी आंखों से कैद करने के लिए टकटकी लगाए हुए है। इस बीच भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए खास संदेश भेजा है। विलियम्स ने कहा है कि चंद्रमा पर लैंडिंग से हमें अमूल्य अंतर्दृष्टि मिलेगी। मैं वास्तव में रोमांचित हूँ कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा पर स्थायी जीवन की खोज में सबसे आगे है। यह वास्तव में रोमांचक समय है। यह एक महान कदम होने जा रहा है। लैंडर विक्रम ही वो सुपरस्टार है जिसके दम पर चांद पर सफल लैंडिंग की जाएगी। भारत स्पेस साइंस में नया इतिहास रचेगा। इस वक्त लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान को साथ में लेकर चंद्रमा के चारों ओर प्री लैंडिंग कक्षा के चक्कर लगा रहा है। एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है, और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज्म, उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो 2 मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है। इसरो ने 14 जुलाई को चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। इस मिशन के 3 लक्ष्य हैं: चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को सतह पर चलाकर दिखाना और सतह पर मौजूद तत्वों की वैज्ञानिक जांच करना। इस मिशन को सफल बनाने में इसरो वैज्ञानिकों की टीम लगातार 24 घंटे मेहनत कर रही है। अलग अलग टीम बनाकर सबको जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक चांद पर चंद देशों का ही दबदबा रहा है। चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज जरूरी है। अगर चंद्रयान 3 परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के बड़ा मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। इस मिशन के कामयाब होने के साथ ही भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर सिवान में लोग मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत माता की जय और चंद्रयान सफल हो का नारा भी लगाया गया। महिलाएं चंद्रयान की पेंटिंग बनाकर उत्साह जाहिर कर रही हैं। धार्मिक सीमाओं के बावजूद लोग चंद्रयान 3 मिशन को अपना समर्थन देने के लिए साथ आ रहे हैं। एकजुटता का यह प्रदर्शन पूरे सिवान में दिख रहा है। मौके का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता अमित सिंह। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बच गए हैं जब चंद्रयान 3 जो है चांद पर पहुंचेगा और अपना हिंदुस्तान अब इतिहास रचने को तैयार हो चुका है, जिसको लेकर सिवान के जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि आप देख रहे हैं कि जो भी यहां पर युवतियां हैं उन्होंने चंद्रयान की तस्वीरें बनाई है और इनसे हम जानने का प्रयास भी करेंगे कितना ज्यादा उत्साह इसको लेकर, कितना ज्यादा खुश है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। जी हम बहुत खुश हैं, ये तीसरा चंद्रयान है हमारे देश का, ऐसे कुछ करता है हमारे देश तो बहुत खुशी होता है, हम बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है जैसे दूसरे देश भी अब भारत की तारीफ कर रहे हैं इसको लेकर? जी दूसरे देश भी अब तारीफ कर रहे हैं, भारत भी सबसे आगे होगा, एक समय आएगा सबसे आगे मेरा भारत होगा। तो इस तरह से चंद्रयान बनाने का क्या मकसद रहा आपका? काफी अच्छा लग रहा है बनाने से। जी एक तरह का हम अपना खुशी जाहिर करने का तरीका है ये हमारा। बिल्कुल, और भी लोग हमसे हम जानने का प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है अभी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर। बहुत अच्छा लग रहा है, ये हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे भारत से इसरो से ये चंद्रयान 3 निकाला गया है, आज ये हमारे कुछ ही समय में ये लैंड कर जाएगा चांद पे। तो क्या लग रहा है एकदम पल पल का इंतजार है कि? हाँ एकदम बहुत अच्छे से इंतजार है। बिल्कुल काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, कुछ और भी युवक है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छी तस्वीरें बनाई है, हम आपको दिखवाएंगे कि देखिए आप जो ये चंद्रयान की तस्वीर देखे उसमें तिरंगे झंडे को भी दर्शाया गया है ताकि काफी खूबसूरत ये चंद्रयान का तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और ये तस्वीर बनाकर भी कैसा आपको लग रहा है? जी बहुत खुशी हो रही है और ये खुशी को लेके ही ये तस्वीर हम बनाए हैं और बना के तो और भी खुशी हो रही है और कुछ ही पल में हम लोग का चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग के लिए सक्सेस हो जाएगा। और तो क्या लग रहा है इतिहास रचने को भारत पूरी तरह से तैयार है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही लंबी तपस्या के बाद आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिल्कुल, जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि भारत आज इतिहास रचने को तैयार है। वहीं एक तरफ जहां यहां पर पेंटिंग बनाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ जो युवा हैं वो मंदिरों में पूजा कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि अपना भारत आज इतिहास रचे और जो दुनिया है वो भारत की ओर अपनी नजर गड़ाई हुई है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफी ज्यादा उत्साह में है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित सिंह, जी मीडिया सिवान। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।